नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेगरा प्रखंड अंतर्गत शनिवार को तेगरा अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में अनुमंडलीय अस्पताल के पदाधिकारियों, कर्मियों एवं आम लोगों के बीच तेगरा अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा आग से बचाव व बुझाने के तरीके बताए गए। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने मॉक ड्रिल कर आग बुझाने का तरीका समझाया। टीम में शामिल अग्निशमन पदाधिकारी रविंद्र कुमार, विकास कुमार, चंद्रशेखर कुमार एवं विजय कुमार सुमन ने एलपीजी सिलेंडर व शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के लिए बोरे को गीला कर उसके ऊपर डालने से सिलेंडर में लगी आग आसानी से बुझ जाती है। उन्होंने बड़ी आग लगने पर पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना देने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आग से धुएं से गिर जाने पर कान, नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लेना चाहिए। यदि कपड़ों में आग पकड़ ले तो भागना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर लेट कर उलट पुलट करना चाहिए। साथ ही अपने आप को कंबल, कोट व भारी कपड़े से ढकना चाहिए ताकि आप आसानी से आग बुझ सके। अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी रामकृष्ण, स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार, बीसीएम सिंधु कुमारी, लेखापाल विनय कुमार सिंह, स्थापना के मोहम्मद शमसा के अलावा दर्जनों एनएम स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका नीतू कुमारी के अलावा अन्य लोग शामिल थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।